समाचार अब विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश टंडन एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। चलो चलो चलो। आज और एक समृद्धशाली भारत, एक वैभवशाली भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की ओर माननीय मोदी जी की सरकार बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में अंतिम व्यक्ति प्रथम पत्नी जोहान कर रहे हैं, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा आज़ादी के बाद जो संविधान में जो व्यवस्था की है दलित शोषित कमजोर वर्ग के व्यक्ति को ऊपर लाने की, उसी का परिणाम है कि आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारे देश बढ़ रहा है। दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में आज अगर भारत स्थापित है, तो एकता अखंडता अक्षुण रखने की जो व्यवस्था संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर करने की है, उसी का परिणाम है कि आज हम एक मजबूत राष्ट्र के अरे आगे हाँ लाए तो लगाओ रोपारी ले रही है हो सुबह कार्यकर्ता ही कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि थी, जिन्होंने संविधान के निर्माता और जिन्होंने वंचित पिछले लोगों को जो है न्याय दिलाया और संविधान के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सभी कांग्रेसजन हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन करने अम्बेडकर प्रतिमा पर आए हैं और आपके माध्यम से बाबा साहब से यह प्रार्थना करने आए हैं कि हे बाबा साहब, आप जहाँ भी हैं, आपके द्वारा जो संविधान बनाया है, आज की मौजूदा सरकार उस संविधान को ताक में रख के भावनाओं के आधार पर देश चला रही है। मेरी विनती है आपसे कि आप जहाँ भी हैं, हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को सद्बुद्धि दें कि वो आगे आकर आंदोलन करके सरकार को ठीक करें और संविधान के अनुसार देश को चलाने का कार्य हो। यही मेरी प्रार्थना है उनसे।